वेलकम बैक। मेरा नाम है मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज विदेशों से मुख्य खबरें। कनाडा की राजधानी ओटावा में ट्रक वालों के आंदोलन के चलते आपातकाल घोषित कर दिया है। आपको बता दें, ट्रक वालों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। रविवार को ओटावा शहर के मेयर जिम वाटसन ने आपातकाल लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहर को घेर कर किए जा रहे आंदोलन के चलते यह फैसला किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा, आपातकाल घोषित किए जाने से साफ है कि किस तरह का गंभीर खतरा लोगों की सुरक्षा और सेफ्टी को है। ऐसे मौके पर कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों की मदद की जा सके। चीनी टेनिस स्टार पैक शुआई ने यूटर लेते हुए किसी पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अपने 3 महीने पहले दिए गए बयान से पलटी मार ली। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शीर्ष अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप लगाकर सनसनी फैलाई थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले महीने मिसाइल परीक्षणों के अपने सबसे बड़े बैराज को लॉन्च किया। इसका एक जगह को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो कि चट्टानों का एक बंजर ढेर है, जिसे कह सकते हैं नो मैंस लैंड। नॉर्थ कोरिया के उत्तर पूर्वी तट से 18 किलोमीटर दूर स्थित अलसम द्वीप को 2019 से अब तक 25 से अधिक मिसाइल हमलों में निशाना बनाया जा चुका है। ये अकेले जनवरी में 8 रॉकेटों का डेस्टिनेशन था। आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए खान ने कहा कि मैं शंकर की मृत्यु के साथ उपमहाद्वीप ने वास्तव में दुनिया के महान गायकों में से एक को खो दिया है। खान ने ट्विटर पर आगे लिखा, उनके गाने सुनकर पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों को खुशी मिली है। रूस में मध्य साइबेरिया स्थित त्रोंगाशिंजकी को दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शामिल किया जाता है। आपको बता दें, इस जगह को हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है ताकि पर्वत श्रृंखला की चोटी तक पैदल पहुंचा जा सके। 1.2 किलोमीटर लंबे रास्ते में 1683 सीढ़ियां हैं। यह रूस की सबसे लंबी सीढ़ियों वाली जगह भी है। सीढ़ियां की इतनी लंबी और इतनी ऊंचाई तक जाने के कारण इसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। आपको बता दें, इन सीढ़ियों की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मन को मुंह लेने वाला नजारा दिखाई देता है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉर्ड न्यूज के साथ।